मैं भी जानता हूं और आप सभी ये जानते हैं कि ज्यादातर लोग आर नॉट हैप्पी, अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू स्ट्रेस आउट, कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करना है, कैसे हैप्पीनेस गेन करनी है। एंड दिस इज व्हाई टुडे आई एम गिविंग यू दिस स्पेशल वीडियो। दिस इज अंकित राय, वेलकम टू चैनल माइन एंड यू। एंड दिस इज थर्सडेज मैजिक सीड एंड टुडे आई एम गोना गिव यू 4 टिप्स to be more happier and feel amazing about yourself. Let's go. आप अपनी लाइफ में ज्यादा हैप्पी होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्ट्रेस आउट हो जाएं। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो भी ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी। अगर आप बिल्कुल डल फील कर रहे हैं एंड इन लो एनर्जी फील कर रहे हैं तो भी इन ये जो चार ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ इज रियली गोना हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। द ट्रिक नंबर 1 इज अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स। आप ज़्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस को टाई करते हैं विद बिगर गोल्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ईयर के स्टार्ट में हमने कोई गोल सेट किया बाय एंड ऑफ दिस ईयर कि मैं ये चीज़ अचीव करूँगा देन आई विल बी हैप्पी। बट आई वॉन्ट टू चेंज योर माइंड फॉर अ लिटिल टाइम हेयर नाउ। अब जरूरी नहीं है कि जब आप कोई बड़ा गोल अचीव करें तो ही आप हैप्पी हों। अब आपने कोई बड़ा गोल अचीव किया है तो हैप्पी होना तो बनता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स, द स्मॉल विन्स, लाइक यू वेक अप 15 मिनट अर्लियर देन एवरी डे, दिस इज अ विन। तो ऑलवेज स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप करते हैं, स्माइल, आपने किसी अनजाने पर्सन को स्माइल दी, आपने किसी की हेल्प की, दीज आर ऑल स्मॉल लिटिल थिंग्स विच रियली मेक चेंज इन आवर मूड, इन आवर इन्वायरमेंट एंड रियली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। एंड दिस इज माई फर्स्ट ट्रिक to be more happier is appreciate little things. The second tip to be more happier and live a joyful life is walking barefoot. आप नंगे पांव चलना, मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूँ? Well, basically आप अभी experience कर सकते हैं। अगर आप अपने जो भी आपने पहने हैं shoes और sandals और slippers जो भी आपने बेसिकली पहने हैं, अगर आप इन्हें उतारिए और उसके बाद ट्राई टू वॉक barefoot, अगर आप घास पर चल सकते हैं तो वेरी गुड। एंड ये चीज़, ये टेक्निक जो है मैं बहुत ही टाइम से ट्राई करता हूँ व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट और बिल्कुल एकदम जो है एंग्री। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने शूज़ जो है उतारता हूँ और उसके बाद barefoot जो है घास पर चलता हूँ, ग्रीन ग्रास पर चलता हूँ। एंड इट रियली रिफ्रेश माई माइंड, इट्स लाइक रीसेटिंग द ब्रेन टू विथ न्यू एनर्जी, फुलफिलिंग द ब्रेन विथ न्यू एनर्जी। और ये बहुत ही जो है जॉयफुल एक्सपीरियंस होता है, इट्स लाइक अ गिफ्ट ऑफ हेवन। सो इन्जॉय इट एंड वॉक barefoot, एंड दिस इज माई सेकेंड ट्रिक टू बी मोर हैप्पी। द थर्ड टिप टू बी मोर हैप्पियर इज वॉचिंग द स्टार्स। नाउ आई नो सेलिब्रिटीज आर ऑसम और उन्हें देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वट आई मीन इज वॉचिंग द स्टार्स ओवर देयर। अब होता क्या है, वेल बेसिकली जब आप एकदम ग्राउंड पर लाइक ले हो जाते हैं, एकदम जो है सो जाते हैं, एंड देन एट नाइट स्टेयर टू ऑल दीज गेज ऑन ऑल दीज स्टार्स, जो है बिल्कुल एकदम अच्छी फीलिंग आती है, जो मतलब जिसे बोलते हैं अंदर से पीस जो फीलिंग आती है। एक बार इसे आप ट्राई करिए, ट्राई आज रात, अगर आप इसे रात को देख रहे हैं तो बिल्कुल बाहर जाके तुरंत इसे ट्राई करिए एंड यू विल रियली फील ऑसम। ये मेरी कुछ पर्सनल टेक्निक्स हैं जिन्हें मैं यूज करता हूँ जब भी मैं एंग्री होता हूँ या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है या मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। ये कुछ जो है ब्रेन रीसेटिंग टेक्निक्स हैं मेरी जिन्हें मैं यूज करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से प्रोडक्टिव हो जाता हूँ। सो गाइज, इट इज़ रियली एन अमेजिंग एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस, और गिव इट अ ट्राई एंड यू विल रियली लाइक दिस। द फोर्थ टिप और से ट्रिक to be more happy is connect with nature. Now, why even connecting with nature is most important? We are always connect with nature. जब से humanization की शुरुआत हुई थी तब से हम nature के साथ हैं, except जो अब जो हम यहाँ पर situation create हो रही है, हम बिल्कुल nature से दूर हो गए हैं। तो always connect with nature. Go for a hike. आप weekend पर hike के लिए जा सकते हैं। आप well basically अपने आस पास जो भी green anything which is green created by nature उसका enjoy ले सकते हैं। वहाँ पर जाइए, थोड़ी देर उसे enjoy करिए, sit down and it will really refreshing you. और इससे जो है एक अलग ही जो है फीलिंग भी आती है। इवन ये स्क्रिप्ट, इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी मैंने वेल बेसिकली एक जंगल पे बैठ के लिखी है एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि कैसे वो छोटी छोटी आवाज़ें, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं एंड ऑल दिस हवा चल रही है, एयर ब्लो हो रही है एंड द वाइल्ड एवरीथिंग इज ग्रीन, और ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है एंड ब्रेन एकदम रिफ्रेश हो जाता है इन चीज़ों को देख के।
एंड इवन इन सर्वेस कहा गया है कि ग्रीन कलर को देख के जो है ब्रेन रिफ्रेश होता है, उसकी एनर्जी रिफिल होती है एंड ब्रेन जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. तो गाइज कनेक्ट विद नेचर एंड दिस इज माई फोर्थ ट्रिक टू बी मोर हैप्पी. एंड गाइज एज ऑलवेज इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस विद एवरी सिंगल फ्रेंड बिकॉज एवरी वन नीडेड टू बी स्ट्रेस्ड आउट, नीडेड टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ. Thank you for watching this video. Have a great day.